सुप्रभात बच्चों, हम अध्याय 3 पढ़ चुके हैं। अब इसका हम प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, समयांकम विकल्पम चनियता, सही विकल्प चुनिए। ये प्रश्न दिए हुए हैं, उनके तीन तीन विकल्प दिए हुए हैं। जो सही विकल्प है उसमें सही का निशान लगाना है, चुनना है उसको। अब है पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में लिंग होते हैं। तो संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 2, 3, 4। संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? 3 होते हैं। हम यहाँ 3 में टिक लगाएंगे। ख है, संस्कृत भाषा में पुरुष होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं? 2 होते हैं, 4 होते हैं कि 3 होते हैं? 3 होते हैं। तो हम यहाँ 3 में टिक लगाएंगे। ग है, संस्कृत भाषा में वचन होते हैं। तो संस्कृत भाषा में वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। यहाँ हम 3 में टिक लगाएंगे। अब है दूसरा प्रश्न है, सुमेलम कृता, मिलान कीजिए। ये शब्द है सेवम, सेवे, बालक, अहम, इनको इन सब मिलान करना है। सेवम है एक वचन, तो हम एक वचन में इसको मिलान करेंगे। सेवे द्विवचन है, तो यहाँ हम द्विवचन में मिलान करेंगे। बालक प्रथम पुरुष है, तो हम यहाँ प्रथम पुरुष में मिलान करेंगे। अहम उत्तम पुरुष है, तो यहाँ उत्तम पुरुष में हम मिलान करेंगे। अब है तीसरा, रिक्त स्थानानि पूर्णतः, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ 2 खाली स्थान दिया हुआ है, उसके बाद लिखा है नर आदि पुल्लिंग शब्द है। यहाँ होगा देव, बालक, नर आदि पुल्लिंग शब्द है, हो गया। अब है यहाँ भी 2 खाली स्थान है, उसके बाद है वस्त्रम आदि नपुंसक लिंग शब्द है। यहाँ होगा पुस्तकम, पुस्तकम, फलम, वस्त्रम आदि नपुंसक लिंग शब्द है। अब यहाँ होगा ग है, सेवम शब्द एक वचन में आता है, यहाँ एक भर आएगा, एक वचन में आता है। यहाँ खाली स्थान है, शब्द मध्यम पुरुष में आते हैं। यहाँ होगा त्वम, शब्द मध्यम पुरुष में आते हैं। ठीक है, आप लोग इतना लिखिए और याद कीजिए।